नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। लल्लन टॉप की टीम जमुना पहुंच गई है गंगा किनारे। गंगा किनारे बसे शहर फरुखाबाद में। फरुखाबाद से सांसद हैं मुकेश राजपूत बीजेपी से। उन्होंने सलमान खुर्शीद को हराया था 2014 में। एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से सलमान खुर्शीद उतरे हैं और सपा बसपा गठबंधन से उतरे हैं मनोज अग्रवाल बीएसपी के टिकट पर। तो फरुखाबाद वाले क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर, पिछले 5 साल जो उनके सांसद रहे मुकेश राजपूत उनको लेकर और सपा बसपा गठबंधन को लेकर, साथ ही कांग्रेस के जो प्रत्याशी रहे, पहले मंत्री रहे हैं सलमान खुर्शीद को लेकर, पिछले 5 साल में कैसे काम हुए हैं इस धरती पर फरुखाबाद पर। इसी फरुखाबाद से 1962 में राम मनोहर लोहिया भी चुनाव लड़े थे और जीते थे। तो फरुखाबाद के लोग क्या सोच रहे हैं इस वक्त, हम यहाँ की चौक बाजार में हैं। चौक बाजार काफ़ी भीड़ भाड़ अगल बगल रोड लगातार चल रही, लोग हैं, हम एक चाय की दुकान पे हैं, यहाँ तमाम अमर लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम जानेंगे कि फरुखाबाद का मूड क्या है इस बार। क्या नाम है आपका? हर्ष। हर्ष, क्या करते हैं हर्ष? मैं जर्नलिस्ट हूँ। पत्रकार हैं जी। क्या मुद्दे हैं शहर के आपके साथ फरुखाबाद के बड़े? देखिए, फरुखाबाद के बड़े मुद्दे जो हैं, नंबर एक बेरोजगारी है। यहाँ पर लड़ाई दंगा मारपीट बहुत ज़्यादा है। जो नौजवान लड़के हैं उनके लिए रोज़गार नहीं है, पढ़ाई भी कोई इतनी खास नहीं है, लोग जो है हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं। और उसके बाद जो बच्चे यहाँ रहते हैं उनका ज़्यादातर समय गली की लड़ाइयों में, मारपीट में, यहाँ की खबर अखबारों में, खबरों में देखते हैं आपकी हमेशा गोलीबारी, किसी गोली लग गई या वो चल गई। तो ये एक बड़ा मुद्दा यहाँ की, यहाँ के लिए है और हमेशा से है, बहुत पहले से है यहाँ की। क्राइम बड़ा मुद्दा? हाँ, क्राइम बड़ा मुद्दा है। राजनीतिक अदावत भी यहाँ बहुत बड़ी रही, क्राइम के चक्कर में यहाँ राजनीतिक मर्डर भी हुए। तो क्राइम एक बहुत बड़ा और बहुत पुराना मुद्दा यहाँ का रहा है, बेरोजगारी जो मेन मुद्दा है। दूसरा एजुकेशन है, और एजुकेशन के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है। और फरुखाबाद से लिंक करती हुई कोई बड़ी सड़क ऐसी नहीं है, इतने साल यहाँ विकास की बात चल रही है। सड़क की इन्होंने बात की, एकदम बात सही है। हम मैनपुरी से आए यहाँ तक फरुखाबाद तक, इतनी खराब सड़क, इतनी खराब सड़क कि क्या बताएं। जब योगी सरकार 2017 में आई थी तो कहा था कि 6 महीने में गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश देंगे, मगर योगी जी को और उनके जो केशव प्रसाद मौर्य जिनका ये दावा था, उनको मैनपुरी जाना चाहिए, वहाँ की सड़कें देखनी चाहिए, फिर मैनपुरी से फरुखाबाद आना चाहिए। उनको शर्म आएगी थोड़ी सी और उनको जवाब देना चाहिए कि की सड़कें इतनी ख़राब क्यों हैं। तो इस सड़क का मुद्दा आपने उठाया, फरुखाबाद शहर के अंदर सड़कें कैसी हैं? फरुखाबाद शहर के अंदर तो काफ़ी सड़कें बनी हैं, काफ़ी सड़कें बनी हैं, लेकिन इसमें भी पता नहीं क्या घोटाला रहा। अभी अभी सड़क से आए होंगे तो ये पूरी सड़क रेलवे स्टेशन से यहाँ तक बनी हुई है, बस एक 200 मीटर का टुकड़ा बीच में छूटा हुआ है, यहाँ काफ़ी गड्ढे हैं। कल मैं दिल्ली से लौटा तो रिक्शा वाला भी कह रहा था कि सब विधायक विधायक और सांसद बनने चले हैं, 200 मीटर का टुकड़ा नहीं बनवा पा रहे हैं इतने सालों से। तो ये 5 साल से मुकेश राजपूत हैं यहाँ के सांसद, उनका काम कैसा रहा? उनका काम ठीक रहा, इतना कोई खास भी काम नहीं है उनका, ठीक काम रहा। और इस बार मेरे ख्याल से उन्हीं का सीट निकलना चाहिए यहाँ से, क्योंकि और कोई ऑप्शन उनके खिलाफ फरुखाबाद में लोगों के पास नहीं है। सलमान साहब हैं तो 5 साल 10 साल से दिखते ही नहीं है लोगों को, उनका अपनी गली उनकी नहीं बनी हुई है। तमाम ऐसी चीजें हैं जो बीजेपी के फेवर में है, मोदी जी की। क्या नाम है आपका? आशीष अस्तोगी। क्या करते हैं? साइकिल की शॉप है हमारी। अच्छा। यहीं पे सामने, और आप इस यहाँ का माहौल देख लीजिए, बिजली का ट्रांसफार्मर ये लगा हुआ है मेन ऑन रोड। ये ट्रांसफार्मर ऑन रोड लगा हुआ है, जिससे बच्चे जो हैं, जो यहाँ की भीड़ की वजह से जो यहाँ से आग निकलती है, इसका आज तक कभी कोई समाधान नहीं हुआ है। अच्छा जी हाँ। तो आप यहाँ क्षेत्रीय जो सांसद हैं आपके मुकेश राजपूत, उनके पास कभी गए शिकायत की? यहाँ शिकायत का वही है कि जैसे अभी आपसे किसी ने कहा कि यहाँ का एरिया क्रिमिनल बहुत है, तो मतलब यहाँ का कोई जनता भी ये कोशिश नहीं करती है कि किसी के पास जाए, क्योंकि उसके इन्स एंड आउट्स बाद में जो झेलना है वो बहुत टिपिकल होता है। अच्छा। और क्या मुद्दे हैं फरुखाबाद पे? मेन तो सबसे बड़ा मुद्दा है जाम, दूसरा मुद्दा है बेरोजगारी, मेन मार्केट यहाँ पर आप व्यापार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सुबह 9 का जाम लगता है तो शाम के 4 बजे तक वो जाम नहीं खत्म होता है, और उसकी कोई भी व्यवस्था यहाँ पे नहीं है, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। बेस्ट, मोदी जी इज बेस्ट, बट फरुखाबाद के लिए मैं यही कहूँगा कि शायद कोई भी MP हुआ हो या कोई भी विधायक हुआ है, XYZ किसी भी पार्टी से हुआ हो, लेकिन इस शहर के विकास के लिए आज तक किसी ने नहीं सोचा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र चौधरी। क्या करते हैं आप? मेरा मेडिसिन का होलसेल का व्यापार है। हाँ जी, आप बता रहे किसी भी सांसद ने कोई काम नहीं किया? किसी सांसद ने भी काम किया, सलमान खुर्शीद साहब रहे हैं, उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। मुन्नू बाबू रहे, उन्होंने कोई विकास का कार्य नहीं किया। मुकेश राजपूत जी भी आए, उसके बाद उन्होंने कोई काम नहीं किया। कौन बदलेगा तकदीर यहाँ की? तकदीर के लिए यहाँ पे कैंडिडेट ही नहीं उनको मिलते हैं जो बदले, जो डमी ऐसे कैंडिडेट आते हैं जो जिनको लोग देना नहीं चाहते, मजबूरी में वोट देते हैं। तो आप लोगों को कोई नेता नजर नहीं आता? नेता ये लोग है नहीं, और जो नेता मान लीजिए आजकल हमारे यहाँ पे है मनोज अग्रवाल, उनका अच्छा वो है, मगर पार्टी उनके पास है गठबंधन की है, वो गठबंधन को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। चाहते तो है कि
मोदी जी आए तो मोदी जी विकास मतलब उनका होएगा तो विकास होगा। वोट आप लोग किसके नाम पे देंगे, सांसद के नाम पे कि मोदी जी के नाम? नहीं, चाहते तो हम लोग हैं कि मोदी के नाम से ही थे, मगर कैंडिडेट तो मनोज अग्रवाल अच्छे हैं, इसमें दो राय नहीं है। अच्छा, मगर विकास यहाँ पे कभी कुछ नहीं हुआ है। आप ये अगर पूरा शहर घूमे तो ये मेन रोड है, आपको 50 बिल्डिंग ऐसी नहीं दिखाई पड़ेगी जो नई कंस्ट्रक्शन हुआ हो। पुराना रिपेयरिंग होती है, वही व्यापार होता है, छोटा वो है, कोई डेवलपमेंट होते ही नहीं किसी में। सीमित शहर है एक तरह का देखा जाए, फरुखाबाद छोटा है और गलियां हैं। गलियां नहीं, सीमित नहीं, बड़ा रोड भी है। आप ये देखिए पूरे रोड में कितनी बिल्डिंग नहीं बनी, आप देख सकते हैं, एक भी बिल्डिंग आपको नहीं दिख रही कि बनी होगी, 7-2-4-6 बनी होंगी पूरे शहर में, जबकि ये मेन रोड कहलाता है। तो कोई डेवलपमेंट जब जो भी आदमी होता है चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, लूटपाट भी हो जाती है, क्रिमिनल एरिया भी रहता है। तो जहाँ भी आदमी कोई बढ़ता है। क्या लग रहा है चुनाव में, क्या लगना है चुनाव में? तो हर साल जैसे ही होता है, लोग आते हैं चले जाते हैं। ये आपके देखिए जो भी संसद हैं, कब तक ये देश ऐसे ही लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, इंतजार करते रहेंगे? तक आपको मतलब पार्टी भाई कोई अच्छा कैंडिडेट? क्या नाम है? आदित्य दीक्षित सर। क्या करते हैं? मैं सर सेल्स में जॉब करता हूँ GSK में। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है फरुखाबाद में, जो भी नेता आता है वो पैसा कमाने में जुट जाता। हमारे यहाँ के जो चेयरमैन साहब हैं, ये MLC भी रहे, इन्होंने MLC कोटे से कोई काम नहीं कराया, केवल नगर पालिका में ये सीमेंटेड ईंट बिछवाई है, वो भी अपने पार्टनर की बिछवाते हैं। उमेश अग्रवाल इनका पार्टनर है, 18 रुपए की ईंट लगा के बेचते हैं। MIC जो नगर पालिका के अंतर्गत आने वाला स्कूल है, उसकी आप दशा देख सकते हैं, बिल्कुल जर्जर है, उस पर कोई ध्यान नहीं है। 15 सालों से उनकी वाइफ चेयरमैन है, ज्यादा स्कूलों की समस्या है, किसी तरीके का कोई डेवलपमेंट नहीं है, केवल सब पैसा आ रहा भीतर हो रहा। वही सपा बसपा की तरफ से प्रत्याशी हैं मनोज अग्रवाल जो है, उनकी मैसेज जो है वो चेयरमैन है, 18 रुपए की ईंट लग रही है। उमेश अग्रवाल की बिल्डिंग बनने ये जरूर 5 साल से, पिछले 5 साल से जो सांसद है आपके मुकेश राजपूत, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने साहब रेलवे में काम कराया है, रेलवे में ट्रेनें बढ़ी हैं फरुखाबाद में, ऐसा नहीं काम नहीं हुआ। लेकिन सांसद के कार्य अलग होते हैं, विधायक के कार्य अलग होते हैं, चेयरमैन के कार्य अलग होते हैं। सांसद के लिए सांसद लेवल काम नहीं कराया, मोदी के नाम पे है। सुनिए एक एक करके, एक एक क्या नाम है आप? सुनिए ठीक क्या नाम है आप? सुरेश चतुर्वेदी। क्या कराया बताइए, 3 बड़े काम बताइए। सांसद ने कई सड़कें बनवाई, कई सड़कें बनवाई, कई लोगों का इलाज कराया दिल्ली कैंसर का। और मुकेश राजपूत बहुत अच्छे व्यक्ति है, बहुत कैंसर के लिए चिट्ठी लिख दी होगी ना उन्होंने। आप ये बताइए कि शहर के लिए क्या किया है? शहर के लिए विकास कराया, सड़कें बनवाई और बढ़िया व्यक्ति, सीधा सांसद। सब लोग नहीं, सब सुनिए मैं बता रहा हूँ, एक एक करके अगर सब सुनिए, एक एक करके देखिए मैं बता रहा हूँ। भैया शोर नहीं है, अगर आप लोग शोर सुनिए मेरे बात सुनिए पहले, अगर आप लोग शोर करेंगे है ना, सब लोग बोलेंगे तो मुझे ना आपकी बात सुनाई देगी, ना लोग जो देख रहे हैं हजारों, ना उनको आपकी बात सुनाई देगी। एक एक करके सबको मौका दूंगा, घंटे भर बात करूंगा, ठीक है? तो एक एक करके बात करिए, बताइए क्या नाम है? मेरा नाम शिवांग रस्तोगी है। क्या करते हैं? व्यापारी हूँ मैं इसी बाजार के अंदर। सर्राफी जुड़े हुए हैं जी पार्टी से? तो सब लोग कोई ना किसी का किसी से जुड़े होते हैं। आप किससे जुड़े हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। हमें आप यहाँ लोग कह रहे हैं कि सांसद जी ने कुछ काम नहीं कराया। नहीं, बिल्कुल निराधार है ये बात, बिल्कुल असत्य है। लोगों की चार काम देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, पिछली बार यहाँ 2 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। पड़ोसी जनपद मैनपुरी इटावा कन्नौज में 24 घंटे बिजली अखिलेश यादव दिया करते थे, लेकिन फरुखाबाद जनपद में 10 घंटे लोगों को बिजली नसीब नहीं होती थी। योगी जी की सरकार बनी, मोदी जी की सरकार बनी, फरुखाबाद को 24 घंटे बिजली मिल रही है। और गांव देहातों में आप पता करिएगा जाके, जहाँ पर 22 घंटे हर हाल में बिजली दी जा रही है। ट्रेनें बढ़ी हैं अपने यहाँ फरुखाबाद में, ट्रेनें बढ़ी हैं, ट्रेनों में जो इलेक्ट्रॉनिक लाइनें हैं उसको भी बढ़ाने का काम मुकेश राजपूत जी ने किया है। ऐसा नहीं, देखिए ओवर ब्रिज पास हुए, केशव प्रसाद मौर्य जी ने यहाँ पर और ओवर ब्रिज लाकर पास करवाया। ये मैनपुरी से फरुखाबाद की सड़क क्यों नहीं बनी? देखिए वो किसी कारण बस रह गई होगी। साल हो गए भाई साहब, देखिए आपने कहा था 6 महीने, आपकी साहब की जो सरकार है बीजेपी पार्टी आपकी, उसने कहा था कि 6 महीने में गड्ढा मुक्त प्रदेश देंगे, रोड क्यों नहीं बनी? बिल्कुल गड्ढा मुक्त हो रहा है पूरा प्रदेश, आप देखिए जाकर, कई ऐसी सड़कें हैं, देख के आए हो, राम गंगा वाली जो गंगा जी वाली सड़कें हैं वो पूरी तरीके से, गंगा जी वाली जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से बन गई, लोगों को असुविधा होती थी, आज सुविधा हो रही। अच्छा आप एक बात बताइए, मैं दिन में गांव साइड गया तो राम गंगा और गंगा के बीच तमाम गांव पड़ते हैं, ठीक है, जहाँ हर साल बाढ़ आती है, लोग डूबते हैं,
गांव डूब जाते, फसल खराब हो जाती है, वहां पे सांसद जी एक बार झांकने नहीं गए, आपके लोगों ने बताया मुझे? नहीं, लोग जो है आपको बताया होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, वो लोग झूठ बोलने गांव वाले, हम ये नहीं, वो कह रहे थे लोगों का अपना ओपिनियन हो सकता, वो कह रहे थे वोट मोदी जी को ही देंगे, मगर सांसद जी झांकने नहीं आते। देखिए, यहां मोदी जी वाली बात नहीं है, ये पिछली बार जब बाढ़ आई थी समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अरे आप अपना बताइए ना। देखिए बिल्कुल, किस इस बार अगर बाढ़ आई थी सांसद जी भी गए थे, और यहाँ पर हमारे जो प्रभारी मंत्री हैं चेतन चौहान, उन्होंने जाकर घर भर गरीबों को जो है वहाँ पर राहत सामग्री बंटवाने का काम किया। राहत सामग्री से हो जाएगा, अगली बार बाढ़ आएगी कैसे रुकेगा? बिल्कुल, बाढ़ रोक क्या व्यवस्था किया? बाढ़ रोकने की व्यवस्था की जाएगी। बिल्कुल की जाएगी। हर साल बाढ़ आती है, 5 साल से सांसद है आपके, 2 साल से राज्य में सरकार है, की जाएगी? देखिए 2 साल से जब से सरकार बीजेपी की बनी है तब से बाढ़ वालों को कभी इतनी दिक्कत नहीं हुई। मैं आज ही भाई साहब होके आया हूँ, कल वीडियो आकर देख लीजिएगा, आप उनकी बात सुनिएगा, वो आप ही के समर्थक हैं, मगर आपके सांसद जी को कोस रहे थे कि आते नहीं, वोट तक मांगने नहीं आए। ऐसा नहीं है, आपको ऐसा नहीं है, सांसद जी ने कार्य किया है विकास। अच्छा ये बताइए कि पोटैटो फैक्ट्री, मतलब पोटैटो सिटी बोला जाता है फरुखाबाद को, मैं आज मंडी गया था, मंडी में किसानों ने शिकायत की कि हर साल हमारा आलू में दिक्कतें आ रही हैं, एक लैब लग जाए, नहीं लगी। तमाम वादे हुए कि पोटैटो सिटी है तो चिप्स की फैक्ट्री लग जाएगी, आलू से जुड़ा उद्योग कुछ लग जाएगा, क्यों नहीं लगा पिछले 5 साल? देखिए माननीय योगी जी आज वहां पे आए थे मोहम्मदाबाद पे, उन्होंने कहा है फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से फरुखाबाद में आलू व्यापार सबसे बड़ा है, और इसके माध्यम से सरकार जब ये चुनाव निपट जाएगा इसके बाद आलू उद्योग को बढ़ाने के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी बड़ा कदम उठाएंगे। हर चीज गे में क्यों है? दो साल में क्यों नहीं हुआ? सरकार 2 साल हुए केवल सरकार को, आप 5 साल बाद फरुखाबाद की तस्वीर निश्चित बदलेगी, मैं आपको विश्वास रख देता हूँ। क्या नाम है? अतुल द्विवेदी नाम है मेरा। 70 सालों में गरीबी दूर नहीं कर पाए तो मोदी जी को थोड़ा टाइम दीजिए साहब, 70 साल से वो नहीं दूर कर पाए, अब सबको हथेली पे सरसों चाहिए, ये कौन सी बात है? अच्छा ये बताइए, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? नाम क्या हूँ? एडवोकेट सेल टैक्स इनकम टैक्स का। मैं ये कह रहा हूँ कि आप मोदी जी की बात में कह रहे हो, यहाँ की सांसद मुद्दा फरुखाबाद का है, ना कि योगी जी और मोदी जी का। यहाँ पे जो तीनों सांसद हैं उन्होंने अपने इतिहास में किसी ने कुछ नहीं किया। फरुखाबाद में आप जाम अभी भी कैमरा घुमा के देख लीजिए, जाम की ये मेन मार्केट का मेन चौराहा है, वहाँ पे दिन भर जाम लगा रहता है, स्कूल के बच्चे आए या बिजनेसमैन बंदा आए या जॉब करने वाला बंदा है, वो इस जाम के चक्कर में ना ही बिजनेस कर पा रहा है, ना भी अपनी नौकरी कर पा रहा है, ना बच्चों की तो बात ही मत मानिए आप। तो ये कोई मुद्दा नहीं है योगी और शहर की सड़कें भैया नगर पालिका के अधीन आती हैं, एक मिनट, सांसद जी के अधीन नहीं आती हैं। शहर की सड़कें, ये चौक बाजार सांसद जी का एरिया नहीं है, नगर पालिका चेयरमैन बसला अग्रवाल। मगर भाई साहब राज्य सरकार तो बीजेपी की है, विधायक तो बनवा सकता है। राज्य सरकार अभी 2 साल से ही आई है, पिछले 15 सालों से नहीं थी राज्य सरकार, उन लोगों ने क्या कराया? फरुखाबाद उन्होंने नहीं कराया, हार गए, उन्होंने नहीं कराया, हार गए। ये भी नहीं कराएंगे, ये भी हार जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, पूछना चाह रहा हूं, नहीं कराएंगे तो ये भी हार जाएंगे। भैया से आपका शशांक दीक्षित, सांसद जी को अगर शहर की सड़कों से सांसद जी को मतलब नहीं है, शहर की पब्लिक से ही मतलब नहीं है, शहर का वोट ही नहीं चाहिए। 5 सालों में सांसद जी वोट लेने के बाद शहर में किसी समस्या किसी कोई दिक्कत हुई है शहर में कभी दिखाई पड़े? वो सांसद जी बता दें वोट के अलावा, अपने अपने घर के बाहर की सड़क नहीं बन पाया 3 साल सांसद जी, अपने बाहर की सड़क नहीं बनवा पाए। सलमान खुर्शीद विदेश राज्य मंत्री रहे, उन्होंने एक बार जीते चुनाव चले गए, कुछ नहीं कराया। उनके पिताजी खुर्शीद आलम मंत्री रहे, राज्यपाल रहे, इस फरुखाबाद के लिए कुछ नहीं कराया। जाकिर हुसैन राष्ट्रपति रहे, मतलब फरुखाबाद के लिए नेता रहे, उन्होंने फरुखाबाद पब्लिक को कुछ नहीं कराया। पब्लिक बड़े बड़े नेता रहे, किसी ने कुछ नहीं कराया, भूखी रहेगी वोट हमें देगी, पब्लिक मेरी गुलाम है, जातवाद का इलेक्शन होता है। मोदी के नाम पे सिर्फ मुकेश राजपूत को वोट मिलेगा, अगर मोदी के नाम पे वोट नहीं होता मुकेश राजपूत अपनी जमानत नहीं बचा पाते। भाजपा नेता रहा हूँ लेकिन अब मैं भाजपा को बिल्कुल इंगट करता हूँ। क्या मतलब क्या दिक्कत है? कोई सुनता ही नहीं है, कोई कार्यकर्ता बनाने की, वहाँ गुंडे जाते हैं उनकी सुनेगा, जीतने के बाद ठेकेदार जाएंगे उनकी सुनेगा, हमें पुलिस पकड़ ले जाए, दूसरे पुलिस पकड़ ले जाए, समझौता करा दे, वो नहीं हमें उठा बंद करा दिया जाएगा, हम कार्यकर्ता हैं इसलिए। कार्यकर्ता कोई नहीं सुनता। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? वसीम उजमा। क्या करते हैं अंकल? इनके बाद आपके पास आता हूँ। क्या नाम है आपका? वसीम उजमा। क्या करते हैं? नेतागिरी करते हैं। किस पार्टी के लिए? कांग्रेस।
कांग्रेस के लिए बड़ी शिकायत कर रहे हैं पिछले सांसद जो रहे हैं आपके सलमान खुर्शीद और इस बार प्रत्याशी हैं, कह रहे हैं मंत्री रहे विदेश मंत्री, कुछ नहीं कराया विदेश राज्य मंत्री रहे कुछ नहीं कराया, हमें एक बात बता दो कि लोहिया के टाइम से अब तक किसने विकास कराया फरखाबाद का, मतलब नहीं कराएंगे। आज सलमान खुर्शीद को ये कह रहा है, ये 5 साल इन्हें हो गई, मुकेश बाबू ने क्या कराया, कुछ भी नहीं कराया, सिर्फ वादों के अलावा कुछ क्या समझे, यानी कि सभी कर रहे हैं। सुनिए चिल्ला इनका जवाब दें, आज क्या कराया आपने बताइए, 5 साल इन्हें हो गई, हम लोगों ने तो बहुत कुछ कराया, 3-4 काम कराए मुझे। देखो आज जो टेलीफोन एक्सचेंज है वो सलमान खुर्शीद की देन है, हवाई पट्टी है, नहीं गलत बोल रहे, बिल्कुल गलत बोल रहे आप, बिल्कुल गलत बोल रहे आराम से आराम। अच्छा हवाई पट्टी उन्होंने बनवाई, इनके बाप ने कालिंदरी एक्सप्रेस दी, जितना विकास यानी सड़कें दी, ऐसा नहीं शोर मत, शोर नहीं मचाया, अब आप लोग शोर मचाओगे जी तो बहुत ज्यादा मचाओगे। ठीक ठीक सुनिए, शांति से सुनो, आराम से पहले इनकी बात सुन लीजिए, अगर आप लोग शोर मचाएंगे फायदा नहीं कुछ, है ना। अब तुम प्यार से हमारी सुनो, बताइए 5 साल में मुकेश बाबू ने कुछ नहीं करा, भाजपा सरकार से ये उम्मीद थी कि फुल फॉर्म आई, उम्मीद थी बिल्कुल थी। अरे भाई जो भी सांसद होता है वो किसी पार्टी का नहीं होता है, जब वो जीत जाता है तो सबका होता है, किसी ने भी अगर कुछ करा हुए तो मैं बताओ, आज सलमान खुर्शीद को लेके येलो 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 करते हैं। सलमान खुर्शीद विदेश मंत्री रहे, उन्होंने फरखाबाद का नाम पूरे भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में ले जाने लिया, नाम से क्या होगा भाई साहब, आप बताइए शहर के लिए क्या, शहर के लिए मैं आलू किसानों से मिला जाके, उन्होंने बताया कि सलमान खुर्शीद ने वादा किया था कि आलू से जुड़े उद्योग लगाए जाएंगे, क्यों नहीं लगाए उन्होंने, ऐसा था उस टाइम पे वो लाए, प्रदेश में सपा की थी सरकार जिसकी वजह से वो वहाँ पे पास नहीं होने दिया गया, ऐसा नहीं होता है, सांसद अगर लेके आता है तो प्रदेश की भी यानी कि जरूरी होती सोई सोई करती, लेकिन ऐसा नहीं होता है जी। सलमान खुर्शीद साहब कोई कमजोर आदमी नहीं है, देखिए सलमान खुर्शीद साहब कोई कमजोर आदमी नहीं है, अगर कोई ऐसे दर्दासा हो भैया, सलमान खुर्शीद साहब कोई मतलब कमजोर दबके नहीं, बहुत बहुत एजुकेटेड बढ़िया आदमी है, जिस समय मैंने 12th किया था वो विदेश मंत्री थे, लेकिन समस्या ये है कि मैंने खुद उनसे कहा सर आलू के लिए, वो कहते हैं कि आलू के लिए अब की सत्ता में आएंगे कराएंगे, सरकार जब आप चले गए तब क्यों नहीं कराया, और रही बात कोई कहता कि उन्होंने दूसरी सरकार थी, सर PPP मॉडल होता, सांसद जाए तो अपने कंपनियों से बात करे बुलाए कराए, सांसद चाहे तो उसकी पास सांसद निधि है जो वो विद्यालय को कमीशन लेके काट देता है, कोई भी सांसद हो किसी भी पार्टी का हो, ये मतलब व्यक्तिगत किसी के लिए नहीं, उन्हें पहले अगर 5 लाख लेना है तो साहब इतने रुपए लगेंगे हम आपकी स्लिप काटेंगे, लेकिन स्लिप तब काटेंगे पहले आप हमें सूटकेस दीजिए, ठीक है, ये एक सांसद आप चाहे आप अपने पर्सनल ढंग से कर सकते हैं। रही बात चेयर सिटिंग चेयरमैन है बसला अग्रवाल, मैं पर्सनली खुद 2-2 बार रश्मि भारती मैम से मिला हूँ एक डस्टबिन के लिए, वो कहती हमारे यहाँ बाइल्डिंग मशीन नहीं और कम से कम 50 दिन हो गए, अब जो बताइए जो व्यक्ति नगर पालिका में बाइल्डिंग मशीन नहीं ला पा रहा उसे सांसद क्यों बनाए, आप बताइए कोई है आपके पास रीजन, वैलिड रीजन नहीं है, आप उनसे बात करिए, थोड़े दिन बाद मैसेज आएगा आपके फेसबुक मैसेंजर या व्हाट्सएप पे, इज योर प्रॉब्लम रिसॉल्व, हाउ कैन बी रिसॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट सॉल्विंग इट, दिस इज द सेम क्वेश्चन फ्रॉम द चेयरमैन, मनोज अग्रवाल फ्रॉम द गठबंधन, अब रुक जाइए अंकल से मैंने बात करने कहा था उनसे कर लूं, क्या नाम है आपका, SP दीक्षित जी, और आप हम रिटायर हो गए से हॉस्पिटल में थे, ऐसा है कि सन 64 से जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इलेक्शन लड़ा तब से हम फरखाबाद में हैं, और सबसे बड़ा धोखा फरखाबाद को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने दिया, उन्होंने पलट के देखा ही नहीं फरखाबाद की तरफ, बने उसको अगला चुनाव बाहर से लड़े उसका खत्म हो गया, रहे नहीं वो, नहीं उसके बाद कन्नौज से लड़े, शुरुआत होने इनका खत्म हो गया, रहे नहीं वो, और फरखाबाद के लिए जो भी प्लान आए वो समाजवादी खींच के इटावा ले गए, मैनपुरी ले गए, फरखाबाद को नंगा कर गए, आप कह रहे हैं कि यहाँ जो लोग आते हैं काम कराते हैं नहीं कराते हैं, और जो आते हैं काम वो बाहर ले जाते हैं,
अच्छा अच्छा जी, क्या नाम? हमारा नाम संजीव कुमार स्वतंत्र है। संजीव कुमार स्वतंत्र है, हमारा खेती बाड़ी करना हमारा व्यवसाय है और छोटे से हम अदने से कार्यकर्ता है पार्टी के, गठबंधन के। गठबंधन जी, बड़ी शिकायत हो रही गठबंधन के प्रत्याशी अग्रवाल, उनकी पत्नी चेयरमैन है, लोग कह रहे हैं कुछ काम नहीं कराती है, सुनती नहीं है, बगल भैया बैठे हैं। देखिए देखिए, इन्होंने एक डस्टबिन लगाने की बात की, वो तक मेरी सुनिए। देखिए देखिए, मेरी सुनिए, विकास विकास एक अनवरत प्रक्रिया है। पहले सड़कें कच्ची हुआ करती थी, फिर उसके ऊपर ईंट का खलंजा बिछा, ईंट के खलंजे के बाद फिर उसमें डामर हुआ, डामर नहीं रुका तो आज RCC बन रही है। तो विकास तो एक अनवरत प्रक्रिया, ये चलती रहती है। यही बात आप बीजेपी पे लागू करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मेरी सुनिए भी आप। बीजेपी सरकार ने ये वादा किया था कि हम 3 महीने के अंदर पूरे प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त कर देंगे। सड़कें नहीं तो बना नहीं पाए, लेकिन गड्ढा मुक्त भी नहीं कर पाए। तो अखिलेश ने भी किया। दूसरी बात, जितना विकास कार्य हुआ फर्रुखाबाद में, मैं इस क्या क्या हुआ मुझे बताइए, तीन चार आपको बताता हूँ, गिनती करके तीन चार वादे और दावे के साथ बताता हूँ। चाहे सब पावर स्टेशन की बात हो, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुआ, चाहे लोग कह रहे हैं पहले बिजली यहाँ आती नहीं थी, सारी मैनपुरी इटावा। सुनिए दूसरी बात, जो लोहिया अस्पताल इतना बड़ा अस्पताल बना हुआ है, लोहिया अस्पताल भी समाजवादी पार्टी की देन है। आलू मंडी जो यहाँ आलू का किसान करता है, वो किसानों के लिए एशिया लेवल की आलू मंडी बनी हुई है। उसके अलावा ये जो आलू से जुड़ा कोई उद्योग क्यों स्थापित भाई? आलू से संबंधित उद्योग इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि समाजवादी पार्टी के भी केंद्र में सरकार नहीं बन पाई। अब समाजवादी और मायावती जी राज में तो थी भैया जी, राज्य में थी। कुछ काम ऐसे होते हैं जिसका बहुतायत में पैसा केंद्रीय उससे मिलता है, समाजवादी पार्टी के केंद्र में सरकार बने, ये भी समस्या हल हो जाएगी। रही बात छोटे स्तर पर अगर देखा जाए, आज वो बहुत बड़ा स्तर है। फर्रुखाबाद में जो यहाँ मंडी लगती थी, आपने देखा होगा, चुंगी और तहबजारी माननीय मुलायम सिंह जी ने खत्म की। जो सब पे आदमी बोझ रख के आता था, गठी रख के आता था, वो खड़ा खड़ा देखता था और वो कहते नहीं पहले पैसे निकाल, जेब में हाथ डाल के निकाल लेते थे, बहन बेटियों की इज्जत आबरू पे हमला कर देते थे। और इसी मुद्दे पर सरकार गई है। मेरी सुनिए सरकार, आज सुनिए, समाजवादी सरकार में बहुत ज्यादा अगर कहीं हुआ होगा तो किसी कार्यकर्ता के साथ उतना व्यवहार हुआ होगा, या किसी के साथ जब कोई जास्ती हुई होगी तब हमने लोगों ने वो कदम उठाया होगा। हमने कभी बदले की भावना से काम नहीं किया है, हमने हमेशा समाज सेवा की है, हमने राजनीति स्वार्थ के लिए नहीं की है। आज लोग स्वार्थ के लिए जो राजनीति कर रहे हैं, आज उनका भाषण देखिए। अच्छा, दूसरी बात सुनिए, आपने स्वार्थ की बात सुनी, एक मिनट बात सुनिए, सरकार किसी चीज आप मेरी नहीं सुनेंगे, मैं आपकी सुनूं। सरकार शक्ति होती है, सरकार शक्ति होती है, सरकार का काम है कोई समस्या है उसका समाधान निकालना। हम सरकार में थे तो हमने समस्याओं का समाधान निकाला। आज सरकार और सरकार के प्रतिनिधि वो खुद समस्या बने हुए हैं, वो खुद पिट रहे हैं, वो जनता की सेवा क्या करेंगे? हमारे यहाँ का सांसद चोरी कर रहा है, पूरे जिले को चोर बता रहा है, बिजली चोरी कर रहा है। एक चीज आप ये बताइए कि जब अरे बात माइक में पकड़िए, आप चले जाइए जरा, है ना। एक बात मेरी ये आप बताइए कि जब पहले आपने सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था, अब मायावती से हो गया, तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग आपकी है। फर्रुखाबाद का विकास कहाँ है इसमें? फर्रुखाबाद का बताइए। इन्होंने सुनिए एक चीज और सुनिए एक चीज और बताइए। ये आप जो बता रहे खंजड़ा था फिर डामर हुआ, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ, मनोज अग्रवाल जी का विकास इतनी तेजी से हुआ है कि आज उनकी संपत्ति पिछले चुनाव से दुगनी हो गई है, उसका हिसाब कौन देगा? देखिए सुनिए, अरे जब आप लोगों को शायद पता नहीं है, उनका पूरा परिवार व्यवसायी रहा लगा के, पिता बिजनेस स्वरूप पुश्तैनी व्यवसायी रहे, कोल्ड स्टोरेज उनके पास, पेट्रोल पंप उनके पास, समझिए उनके पास। इन्होंने गठबंधन में जवाब मांगा, उनके पिताजी पहले नल का काम करते थे तो ये व्यवसाय था उनका, आज वो ईंटें लगाते हैं, जो ईंटें यहाँ लगी है नगर पालिका की, तो ये व्यवसाय नगर पालिका में उनकी वाइफ है, वो ईंटें जो 10 रुपए की नहीं है वो 18 में लग रही है। इन्होंने आप पे आरोप लगाया, उनके नाम कोई रजिस्टर, अगर मेरी सुनिए, उनके नाम कोई रजिस्टर्ड ये बता दे, बसला अग्रवाल के नाम या उनके परिवार या लड़के के नाम कोई भी फैक्ट्री है रजिस्ट्रेशन दिखा दे, प्रूव कर दे, तो मैं मानने को तैयार हूँ। दूसरी बात,
सरकार किसी समस्या का समाधान होती है, सरकार किसी समस्या का समाधान होती है, यहाँ सरकार और सरकार के प्रतिनिधि वो समस्या बने हुए है। आज डीएम पिटरा, एसपी पिटरा, पिटरा थानेदार, ये कैसा चौकीदार भाई, चौकीदार चोर है। इसलिए ठीक है, आपने अपनी बात रख दी, आपने आप ये बताइए चोर है, मम्मी हाथों से घूम रही है। अरे सुनिए, कैमरा छोड़ दो, चोर है, चोर सब लोग, वो भी बताते हैं। शांत होइए, शांत होइए, पहले शांत होइए, और थोड़ा कैमरा थोड़ा इस साइड होइए ताकि भैया कैमरा दिखाई दे। युवा की आवाज, अब की बार मोदी सरकार। क्या नाम है आपका? फरुखाबाद की जनता, ठीक है, एक तो विकास के नाम पे वोट करेगी, क्लियर ही है। मेरा नाम चंद्रिका त्रिवेदी है, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मैनेजर हूँ। फरुखाबाद की जो जनता है वो केवल विकास के नाम पे वोट करेगी और देश हित के लिए वोट करेगी। जो देश हित की बात करेगा, जो देश हित की बात करेगा, देश मेरे लिए सर्वोच्च है, बाकी प्रत्याशी मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। रुक जाइए, हमारे लिए देश पहले है, हम देश के लिए, हम देश के लिए चुनाव लड़वाएंगे और किसी के लिए नहीं। भैया इसीलिए हम लोग थोड़ा सा नेताओं के पास जाने से बचते हैं, एक मार्केट पे आए और कोशिश की कि आम लोगों से बात करें। नेता लोगों ने घेर लिया, जब नेता लोग आते हैं तो बात खत्म हो जाती है, मुद्दे गायब हो जाते हैं। एक तरफ से मोदी के नारे लगते हैं, एक तरफ से मायावती के, एक तरफ के अखिलेश के, मुद्दे हो जाते हैं गायब। तो फरुखाबाद के जो भी मुद्दे निकल कर आए वो हमने आपको दिखाया, इन शोर शराबे के बीच। ऐसे जिस शहर जाएंगे वहाँ के मुद्दे जो भी होंगे आपको उनसे रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। शुक्रिया। खबरों में भी आ गया है पहले आओ पहले पाओ ऑफर। दी लल्लन टॉप ऐप एंड्रॉइड पर है ना, तो न्यूज का ख्याल करो, सबसे पहले इंस्टॉल करो।